श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ननु तत्र अभी पूरा नहीं हुआ है। ननु तत्र गूढ़तया विद्यमानत्वात् न तदेव मथ्यते, किंतु तस्यैव वह्निर्जनन शक्तिमत्वात् तदेव मथ्यते इति। तो हम लोग तदेव तदेव मथ्यते न यत्किंचित, ऐसा जो है कह के वो शुष्क जो लकड़ी है उसको घिसने से ही वो जो है अग्नि उत्पन्न होता है, इसलिए गुण होने के कारण गुणी वहाँ पर होगा, ये जो है हम लोग बताए थे। तो ये क्या कह रहे हैं, ननु तत्र वन्नेह गूढ़तया विद्यमानत्वात् न तदेव मथ्यते, किंतु तस्यैव वन्नी जनन शक्तिमत्वात्। ये आप जो है ये बेकार की बात मत करो, ये जो है अग्नि को लकड़ी को जो है घिसने से अग्नि उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर, वन्नी गूढ़तया विद्यमानत्वात् ये बात नहीं है। वन्नी जो है वहाँ गूढ़ रूप में जो है चिप रहा है ऐसा बात नहीं है, तो वो घिसने से हो रहा है, इसलिए इति तदेव मथ्यते, मिथ्यते नहीं है, मथ्यते है वो। मथ्यते इति चेत तदापि वन्नी सद्भाव अंगीकर्तव्यः, तब भी मतलब वन्नी जो है छिपा हुआ नहीं है ऐसा सब नहीं कह सकते। लकड़ी घिसने से वन्नी उत्पन्न हो रहा है तो तब भी वन्नी वहाँ पर वन्नी का सद्भाव स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों तो कह रहे हैं शक्ति संबंधेन वन्नी सद्भावस्य एष्टव्यत्वात् प्रलयादौ कार्यं कारणभात्रतया असीति श्रुतिशतैः प्रतिपादितत्वाच्च। यहाँ तात्पर्य क्या है, इनका ये ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या कह रहे हैं, आप जो है लकड़ी से जो है दो लकड़ी को सूखा लकड़ी को जो है आप घिसाने से क्या है उससे जो है अग्नि उत्पन्न हो रहा है, उससे आप क्या समझते हैं उसमें अग्नि का जो है भाव है, रहस्यमय रूप में जो है उसमें छिप रहा है इसलिए वो वहां पर उत्पन्न हो रहा है, ये बात जो है तर्क ठीक नहीं है। क्यों, दो पत्थर को जो है घिसने से उसमें भी अग्नि उत्पन्न होता है तो उसका मतलब वो अग्नि उसमें है क्या, नहीं ये बात नहीं कह सकते, तब अग्नि जो है पत्थर जल के राख थोड़ी होता है, नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं वैसा बात नहीं है। ये जो है वहाँ पर दो लकड़ी को जो है आप घिसने से वो जो है अग्नि उत्पन्न करने का शक्तिमान है, न कि अग्नि उसमें है ये सिद्ध नहीं होता है, अग्नि उसमें है ये सिद्ध नहीं होता है, अग्नि उत्पन्न करता है वो इतना ही सिद्ध होता है, इसलिए उसको लेके वो गर्माहट को लेके आप जो है उसमें अग्नि है ऐसा लक्षण लिंग को लेके जो है आप सिद्ध करना चाहते हैं ये तर्क गलत है। इति चेत तदापि, तब भी जो है हम लोग क्या करते हैं वहाँ उसका तात्पर्य क्या समझ लेना चाहिए, वन्नेह गूढ़तया विद्यमानत्वात् न तदेव मथ्यते, वन्नेह गूढ़तया विद्यमानत्वात् न तदेव तत्र मथ्यते, किंतु तस्य एव वन्नि जनन शक्तिमत्वात्, वो जो है वन्नि जनन का शक्ति है वहाँ पर है इसलिए जो है उसी उसका मथन हो रहा है, इसलिए इति चेत तदा, तब हम कहते हैं वन्नि सद्भावो अंगीकर्तव्य है, आप जो है वन्नि का सद्भाव उसमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कैसा, शक्ति संबंधेन वन्नि सद्भावस्य एष्टव्यत्वात्, उस शक्ति का संबंध से जो है गर्माहट जो दे रहा है उस शक्ति का संबंध से जो है हम लोग वन्नी का शक्ति क्या है, शक्ति संबंध मतलब ये कोई नया शक्ति नहीं है, वन्नी का शक्ति क्या है, प्रकाश देना और जो है गर्मी देना, तो ये वहाँ गर्मी देने का जो है वो स्वह वहाँ पर है, इसलिए शक्ति संबंधे न वन्नी सद्भावस्य एष्टव्यत्वात्, आप जो है शक्ति संबंध के कारण वन्नी का शक्ति संबंध के कारण वहाँ पर वन्नी को जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा, वन्नी सद्भाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रलयादौ कार्यम कारणमात्रतया असीति श्रुतिशतैः प्रतिपादितत्वाच्च, और
ये कैसा आप बता रहे हैं? शास्त्र में बता रहा है प्रलय में जो है कार्य क्या है, कारण रूप में रहता है। कार्य में कार्य जो है कारण रूप में रहता है, मतलब कार्य उत्पन्न करने का क्षमता उस कारण में रहा है, इसलिए वो जो है उसी में गूढ़तया छिपा रहता है। वैसा यहाँ पर भी अग्नि जो है गूढ़ रूप में वहाँ कारण में छिप रखा है। असी इति श्रुति, जैसा श्रुति सतही जो है प्रतिपादित हो रहा है। सबूय एव इंधन योनि गृह्य, मूल के बात बता रहे, स मथनात् प्राक् काष्ठ अवयवैः तिरस्कृतत्वेन विद्यमान एव वह्निः भूयो भूयो मथनात् इंधन योनिः, इंधनम एव योनिः, इंधन योनिः तस्मिन् योनि प्राक्, तस्मिन् योनौ प्राक् स्व तिरस्कार काष्ठा काष्ठदाहकत्वेन गृह्यो गृह्यते योनौ। स मथनात् प्राक्, वो मथन करने के पहले क्या है, काष्ठ अवयवैः तिरस्कृतत्वेन विद्यमान एव, वो काष्ठ का अवयव जो है उससे दब गया है, वो उसकी उससे दब गया क्या, अग्नि अग्नि प्रकट नहीं हो रहा है उससे, बाबार दिखाई नहीं पड़ रहा है, तिरस्कृतत्वेन छिपा रखा है। कौन, ये जो काष्ठ, किसको, वन्नि को, इसलिए विद्यमान एव वन्नि ही, उसमें जो अग्नि रहता है वो क्या है, भूयो भूयो मथनात्, बार बार जो है उसको मथन करने से, वो लकड़ी को मथन करने से क्या है, ईंधन योनि ही, ईंधन योनि, ईंधन योनि शब्द मूल में आता है, तो ईंधन योनि मतलब ईंधनम एव योनि ही, ईंधन योनि ही, ईंधन ही जो कारण होता है उसको ईंधन योनि कहा है। तो तस्मिन् योनौ, उस योनि में, उस कारण में प्राग स्वतिरस्कार काष्ठराहकत्वेन गृह्यः गृह्यते, प्राग तिरस्कारक काष्ठदाहकत्वेन, तो क्या है, दो लकड़ी है, ये अरणी है, उत्तरारणी है, ये अधो अरणी है, इसमें जो है जब मैं मंथन करता हूँ तब क्या है, अग्नि उत्पन्न होता है। अग्नि कैसा उत्पन्न होता है, तो उसको कह रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द है, प्राक स्व तिरस्कारक, अपने को जो स्व मतलब अग्नि को, अग्नि को स्व, जहां पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पर उसको लेना है, यहाँ स्व अग्नि को बता रहे हैं, अपने स्वरूप को, अग्नि तन अपने स्वरूप को जो है तिरस्कारक, तिरस्कार करने कर रहा है, अग्नि का स्वरूप को तिरस्कार कर रहा है, कौन, काष्ठ, वो काष्ठ, वो लकड़ी, उस लकड़ी को क्या करता है, दाहकत्वेन, उसको जला देता है, वो बाहर जब वो अग्नि उत्पन्न होता है उस वो जो तिरस्कार करने वाला वो भाव को जो है वो जला देता है, नाश कर देता है, इसलिए गृह्यः गृह्यते, ऐसा जो है दिखाई पड़ता है वो वहां पर अग्नि। तद्वा तद उभयम इव वा शब्द उपमार्थे, अरे अरे अरे, गृह्यते उपलभ्यते, गृह्य मतलब उपलभ्यते, उपलभ्यते गृह्यते मतलब उपलभ्यते, प्राप्त होता है वहां पर। अन अग्नि अभिव्यक्ते हे धूमादि लिंगम च दृश्यते, अग्नि का जो है अभिव्यक्ति में जैसा धूमादि लिंग दिखाई पड़ता है, यहाँ पर भी जो है वो करते करते पहले धुआं ही निकलता है, धूमादि लिंगम च दृश्यते, यथा तद्वा उभयम वै प्रणवेन देहे, तद्वा तद उभयम इव वा शब्द उपमार्थ, उपमार्थ में जो है तद्वत, ऐसे अर्थ में जो है वा शब्द प्रयोग किया है वहां पर। तो वहां क्या बता रहे हैं, वैसा ही प्रणव में जो है प्रणवेन देहे, प्रणव के द्वारा जो है ओंकार के द्वारा देह में हृदय में जैसा करते है, दाष्टांतिके अपि, दाष्टांतिक दाष्टांतिक में भी क्या है, स्वदाह्य माया तत्कार्य तिरस्कृतत्वेन, लकड़ी में क्या है, अग्नि तिरस्कृत हो रखा है, चुप रखा है, किससे, लकड़ी से ही, अग्नि लकड़ी से चुप रहा है। अभी यहां पर दाष्टांत में क्या है, अपना स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, वो माया और उसका कार्य से जो है तिरस्कार हो रखा है, माया तत्कार्य तिरस्कृतत्वेन विद्यमान
सत्यसुखचिन्मात्रात्मस्वरूपं तिष्ठति। तो वो जो माया अपना कार्य के साथ सहित होके जो है उसको तिरस्कार करता है, किसको? जो विद्यमान है, क्या है? सत्यसुखचिन्मात्र स्वरूपं, वैसा ही वो रहता है, छिपा हुआ रहता है। तत्सद्भावे साक्षित्व नित्यत्व प्रेमास्पदत्वादि लिंगम च। तो वो है बोल के कैसा मालूम है? कम से कम यहाँ तो दो लकड़ी को घिसने से वहाँ पर जो है वो जो गर्माहट उत्पन्न हो रहा है, दाहकत शक्ति तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कैसा, किस लिंग से आप बता रहे हैं? तो कह रहे हैं लिंगनाशन जो बताए उसके लिए बता रहे विद्यमा साक्षित्व नित्यत्व प्रेमास्पदत्वादि लिंगम। साक्षित्वादि नित्यत्वादि और प्रेमास्पदत्वादि लिंग यहाँ पर स्पष्ट है, सबका जो है साक्षी रूप में आत्मा स्थित है, ये जो है हम लोग जानते हैं। च तद उभयम् सम्यक् ज्ञानात्। तो तद उभयम्, तद उभयम् मतलब उसका जो चिन्ह है और उसका जो स्वरूप है, दोनों जो चिप रखा हो स्वरूप, तो तद उभयम् सम्यक् ज्ञानात् प्राक। सम्यक् ज्ञान के पहले क्या है? विद्यते, रहता ही है। सम्यक् ज्ञान के पहले भी रहता है, मगर अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। क्यों? उसको तिरस्कार कर रखा है क्या? माया और उसका कार्य। इसलिए विद्यते प्रासम्यक् ज्ञान प्राक विद्यते प्रणवेन प्रणवाख्य साधन जनित ब्रह्मात्मैकत्व विद्यया। प्रणवेन प्रणवेन प्रणव रूपी जो साधन है, प्रणवाख्य साधन जनित, उस साधन के द्वारा जनित जो होता है क्या है? ब्रह्मात्मैकत्व विद्यया। ओंकार रूपी उपासना से नहीं कर रहे, ओंकार रूपी चिंतन से कह रहे हैं, इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्या है? ब्रह्मात्म एक विद्यया। उस विद्या से क्या होता है? पूर्वम विद्यया पूर्वम स्व तिरस्कारक अविद्यादत् कार्यदाहाद् देहे। तो उसके द्वारा क्या हो जाता है? वो विद्या के द्वारा अपने को जो अपने स्वरूप को जो तिरस्कार कर रखा है वह अविद्या और उसका कार्य वो दाह हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए देहे, देहे मतलब अन्यत्र हृदय गुहे, ऐसा जो है हृदय ऐसा संबंध करके लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कार्य कारण संघाते, कार्य कारण संघात, इसमें क्या है? अरणी स्थानीय, अरणीय अरणी स्थानीय जो अधो अरणी स्थानीय जो है वह आत्मतत्व अभिव्यक्ति ही, उसमें जो है आत्मतत्व का अभिव्यक्ति हो रहा है। तद अभिव्यक्ते है अमाणित्वादि लिंगम च उभयम् विद्वत्सु गृह्यते। वो अभिव्यक्ति होने के पश्चात उसके उस विद्वान में क्या है? अमाणित्वादम्बत्वादि जो है लिंग दिखाई पड़ता है। इति विद्वत्सु गृह्यते। ठीक है, अभी भाष्य वन्ने हे यथा इति वन्ने हे यथा योनिगतस्य अरणिगतस्य मूर्ति ही। वन्ने यथा इति विराम होना चाहिए। वन्ने हे यथा योनिगतस्य अरणिगतस्य मूर्ति ही स्वरूपम न दृश्यते। जैसा वन्ने में जो है उस योनि में उस अरणि में जो कारण स्वरूप में जो उसका स्वरूप वन्ने का स्वरूप वन्ने हे मूर्ति ही यथा न दृश्यते। वन्ने हे मूर्ति ही स्वरूपम यथा न दृश्यते। कुत्रस्थ वन्नी ही तब प्रश्न आता है, जब प्रश्न आता है कुत्रस्थ वन्नी तब योनि गतस्य अरणि गतस्य वन्नी जैसा दिखाई नहीं पड़ता है न दृश्यते मथनात् प्राक नैव च। मथनात् प्राक कब? मथन के पहले, कभी नहीं है ये बात नहीं है। मथनात् प्राक नैव न दृश्यते नैव च लिंगस्य सूक्ष्मदेहस्य निर्विनाशः। और बिल्कुल उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो अग्नि का वो भी विनाश नहीं हो रहा है। स एव आरणिगतः अग्निभूयः पुनः पुनः ईंधन योनिना मथनेन गृह्यः। वही जो अग्नि जो चिप्रका है तो वही क्या है? स एव आरणिगतः अग्नि, वही जो अरणि में रहने वाला अग्नि उसको क्या है? भूयः, भूयः मतलब
पुनः पुनः, बार बार जो है ईंधन योनि ना मथन है ना, वो ईंधन का जो योनि का कारण क्या, वो जो है उस कारण में जो है वो मथन करने से क्या होता है, गृह्य है, वो प्राप्त होता है वो अग्नि। योनि शब्द अत्र कारण वचन है, योनि यहाँ पर जो है कारण अर्थ में बताया है। ईंधन न कारण न पुनः पुनः मथनात् गृह्य है, ईंधन रूपी जो कारण है उसमें पुनः पुनः मथन करने से वो अग्नि आविर्भाव हो जाते हैं। तदा उभयम् इति इव अर्थो वा शब्द है, तदा उभयम् यहाँ पर वा ये जो शब्द है इव अर्थ में प्रयोग किया है। सामान्य क्या है, तदा तद वा उभयम्, वा जो है वै रूप में जो परिणत होते वै का वा प्रयोग करते हैं, और वही मतलब निश्चय रूप से, ऐसा जो है तात्पर्य निकलते हैं। यहाँ पर क्या है, वा को विकल्प अर्थ में नहीं लिए है, बत मतलब उसका ईवा अर्थ में जो है लिए है। तो तद्वत वैसा ही क्या है, तच्च उभयम्, तत् उभयम् इव मथनात् प्राग् न गृह्यते, वो जैसा दोनों है वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, वहाँ जैसा दोनों अग्नि और उसका जो लिंग मथन के पहले नहीं ग्रहण होता है, वैसा यहाँ पर भी जो है आत्मा और उसका लिंग मथन, लिंग नाश भी नहीं है, ये बात है। तो ये जो मथन के पहले नहीं गृहित होता है, मथने न च गृह्यते, और मथन करने से जो है ग्रहण बिल्कुल होगा ही है। तद्वत आत्मा वन्यस्थानी है प्राणवेन उत्तर अरणिस्थानीयेन मननात् गृह्यते, देहे अधरारणिस्थानीये, वैसा जो है आत्मा को भी जो है, आत्मा क्या है वन्यस्थानीय, वन्यस्थानीय आत्मा जो है प्रणवस्थानीय उत्तरारणी से देह रूपी अधरारणी जो स्थानीय है उसमें मनन करने से उत्पन्न होता है आत्मा। आत्मा का जो है आविर्भाव, जो तिरोभाव हो रखे है उसका आविर्भाव, उसका प्रकाश होती है। तदेव प्रपंचेति, वही बात अभी जो है विस्तार से बता रहे हैं, जो अरणी का जो मंथन बात कह रहे हैं, वो अरणी का मंथन बात कह रहे हैं उसी को, क्या है, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्ये निगूढ़वत। स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने शरीर को अपने मन को ही जो है अरणि रूप में करके, प्रणव च उत्तर अरणिम, प्रणव जो है उत्तर अरणि रूप में करके, ध्यान निर्मथन अभ्यास, ध्यान रूपी निर्मथन, यहाँ पर ध्यान रूपी मथन करने से क्या होगा, उस अभ्यास से क्या होगा, देवम पश्येत, निगूढ़ देवम पश्येत, निगूढ़वत देवम पश्येत, छिपा हुआ जैसा जो देव है वो परमात्मा है उसको देखो, उसमें देख, उसको देखते हैं, ये जो बात है। तो पहले नारायण महाराज कुछ कह रहे हैं, क्या देख लेते हैं, नारायण महाराज यहाँ पर कुछ विशेष बात कह रहे हैं। उत्तर अरणिम, उत्तर अरणिम प्रणव आधारत्वात्, अरणिम क्या है प्रणव आधारत्वात्, प्रणव आधार करने के कारण जो है अरणि कहे, उत्तर अरणिम वहां पर विषय है, उत्तर अरणिम तस्य षट चक्र भेदेन ऊर्ध्वम नीतत्वात्, चक्र चक्र भेद से जो है ऊर्ध्व नीत करने के कारण जो है उत्तरारणी ये देह को जो है हम लोग वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। और हाँ, 14वीं जो है उतना ही है, कुछ पता ही नहीं ज्यादा। स्वशरीरम, यहाँ पर शंकरान जी क्या कह रहे हैं, स्वशरीरम स्वदेहम, स्वदेहम मतलब स्वशरीरम, आगे करके क्या बता रहे हैं, शरीरेण उपलक्षितम हृदयम, शरीर मतलब शरीर में जो है ओम 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 नहीं है, क्योंकि सब जगह पे कहाँ कहाँ ओम लिखते हैं पता नहीं है, सब जगह पे ओम लिखते हैं आजकल, टाटू कर लेते हैं, यहाँ वैसा ओम नहीं है, हृदय में जो है ओम, हृदय में जो है शरीरेण उपलक्षितम हृदयम, शरीर का तात्पर्य यहाँ पर हृदय है। तो ध्यानम, ध्यान मतलब क्या है बता रहे हैं, प्रणव अभिधेयत्वेन प्रणव आलंबनत्वेन वा ब्रह्मनश्चिंतनम,
प्रणव को अभिधेय विषय में या प्रणव को ही आलंब विषय में लेके जो है, आलंबन मतलब पात्र का विषय में जो है, ध्यान का योगी पात्र का विषय में लेके ब्रह्म का चिंतन करना ही यहाँ पर जो है प्रणव उपासना बताए है, ना तो अन्य। ठीक है, अभी विज्ञान भगवान क्या कह रहे हैं, सम्यग ज्ञानात प्राग आत्मतत्व तिरस्कार कारी कार्य कारण संघातस्य आत्म अभिव्यक्ति स्थानस्य आत्मतत्व अभिव्यक्तेः उत्कृष्ट साधन प्रणवस्य अंतरंग साधन साधन साधनौ साधनौ निदिध्यासनस्य कुछ अच्छा साधन साधन निदिध्यासनस्य वो जो है चिन्ह है कुछ टिप्पणी के लिए साधन निदिध्यासनस्य च आधार अरण्यादि रूपत्वं निरूपयति स्वदेहमिति सम्यग् ज्ञानात् प्राक्। एक शब्द में जो है इसको लिखे है यहाँ तक स्य तक सम्यग् ज्ञानात् प्राक् सम्यग् ज्ञान के पहले आत्मतत्व तिरस्कार कार्यकारण संघातस्य आत्म वो जो आत्मा का स्वरूप है उसको तिरस्कार उसको अभिभव करने वाला उसको छिपाने वाला क्या है ये आच्छादन करने वाला कार्यकरण संघात शरीर इंद्रिय संघात कार्य कारण संघात कार्य हाँ कार्य कारण संघात कार्यकरण संघात दोनों जो है गड़ जाता है यहाँ शरीर के संबंध में बता रहे हैं कोई बात नहीं है तो हम माया को भी ले सकते हैं कार्यकरण संघात कार्यकारण संघात आत्म अभिव्यक्ति स्थान से ओ आत्म अभिव्यक्ति स्थान क्या है कार्यकरण संघात माया नहीं है इसलिए कारण करण संघात अर्थ में लिया मैंने आत्म अभिव्यक्त स्थान से क्या करता है आत्म तत्व अभिव्यक्ते है उत्कृष्ट साधन उस आत्म तत्व जो चिप रहा है उसका उत्कृष्ट साधन क्या है उत्कृष्ट साधन प्रणवस्य प्रणव ही जो है उत्कृष्ट साधन है इसलिए अंतरंग साधन निदिध्यासनस्य प्रणवस्य कहके जो क्या कहते हैं प्रणवस्य मतलब क्या है अंतरंग साधन मतलब निदिध्यासन स्वरूप निदिध्यासनस्य यहाँ पर सामान्य जो है जपादि नहीं कह रहे हैं निदिध्यासन कह रहे हैं च आधार अरण्यादि रूपत्वं निरूपयति उसको आधार निदिध्यासन को जो है आधार अरण्य रूप में जो है बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रणव जो है प्रणव का इसलिए क्या करते हैं उस दिन बताया ये जो ऋभु गीता का जो है जब उल्लेख इसमें आया था मूल में तब बताया ऋभु गीता में एक अध्याय को जो है एक बूढ़ी को रमन महर्षि ने जो है पारायण करने के लिए बताया तुम्हें अर्थ मालूम नहीं हो तो भी कोई बात नहीं इसको पारायण करते रहो कभी जो है अर्थ अभिव्यक्त होगा बोल के वैसा यहाँ पर भी जो है जो अधिकारी नहीं है निदिध्यासनादि करने के लिए जिनका अंदर क्षमता नहीं है उनके लिए सामान्य क्या कह देते हैं कम से कम जप तो करो ओंकार का जप करो बोल के सन्यासी के लिए जो है विधान क्या है ओंकार जप स्वदेहमिति स्वदेहम अरणिम कृत्वा अपने शरीर को ही जो है अरणी करके मतलब क्या है स्वस्य आत्मतत्वस्य तिरस्कार का अविद्या तत्कार्य कारण संघात लक्षणम तो जो स्वस्य मतलब आत्मतत्वस्य आत्मतत्व को क्या करता है तिरस्कार करने वाला क्या है अविद्या और अविद्या का तत्कार्य कारण संघात लक्षणम अविद्या और उसका कार्य कारण संघात स्वरूप जो शरीर इंद्रिय संघात स्वरूप वो क्या है देहम आर अधर अरणिम कृत्वा देह को जो है अधर अरणी आधार रूप में जो अरणी रहता है उसको जो है करके नीचे जो अरणी रहता है उसको करके उस रूप में लेके आत्मतत्व अभिव्यक्ति स्थान कृत्वा उसका आधार रूप करके मतलब क्या है आत्मा का अभिव्यक्त का जो है योग्य करके प्रणवम च प्रणव क्या है
वेदसारम, प्रणव क्या है? वेदसारम, ओमिति एतत् इदकम सर्वम, ओमिति इदकम सर्वम, ओमिति ब्रह्म, ऐसा जो है सब जगह पे ओम ही जो है मुख्य रूप में बताया है, व ओम वेदसारम उत्तरारणिम कृत्वा, उसको जो उत्तरारणी रूप में करके क्या करना है, सम्यक ज्ञान कारणत्वेन स्वीकृत्य, उत्तरण अरणी करके मतलब जपादि का स्वरूप नहीं है, सम्यक ज्ञान उत्तरारणिम कृत्वा, ओंकारस्य उत्तरारणिम कृत्वा मतलब क्या है, सम्यक ज्ञान कारणत्वेन, सम्यक ज्ञान जो है दूसरा कोई रास्ता से नहीं हो सकता है, एक श्रवण मनन निध्यासन आदि से ही हो सकता है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान कारणत्वेन स्वीकृत्य ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, सम्यक ज्ञान कारणत्वेन स्वीकृत्य, सम्यक ज्ञान का कारण रूप में स्वीकार करके क्या करना चाहिए, ध्यान निर्मथन अभ्यासात, अभी फंस गया ना, ध्यान निर्मथन आ गया ना, तो तुरंत क्या कहते थे, निधिध्यासनम तदेव निर्मथनम, ध्यानम यहां पर क्या है, निधिध्यासन ही है, वही निर्मथन है, बार बार जो है अन्य को तिरस्कार करके इसी में लगे हैं, तो तस्य अभ्यासात, उस निधिध्यासन का अभ्यास ये क्या है, देवम द्योतन स्वभावम, देवम मतलब वो प्रकाश स्वभाव जो है, सुख संवित रूपम, जो चित सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मतत्वम, आत्मतत्व जो है पश्येद, उसको देखता है, देखता है मतलब अपरीक्षी कुर्या जानी, या तो उसको अप्रोच करना चाहिए और जानना चाहिए, कैसा, ऐसा निधिध्यासन करके, अपना हृदय में जो है ये निधिध्यासन करके उसको जानना चाहिए, ओंकार का जो है विचार करके उसको जानना चाहिए, निगूढ़वत पित्रादि संचित महानिधिम अज्ञानात चिरकाल अप्राप्तम ज्ञानेन यथा पश्यति तद्वत मुमुक्षुः सम्यक् ज्ञानात् आत्मतत्त्वं पश्यति, निगूढ़वत पित्रादि संचितम महानिधिम, कहीं जो है पीरों में कहीं पर ये कहीं छिपा रखे, जो घर में सब करते हैं क्या है, धोती के नीचे या साड़ी के नीचे जो है गहना इत्यादि को जो है छिपा के रखते हैं, या पैसा कुछ जो है छिपा के रखते हैं, और स्त्री लोग जो है जो चावल का डब्बा आटा का डब्बा इसमें सब जो है पैसा डाल के रखते हैं, तो ये क्या बता रहे है, निर वैसा निगूढ़ पित्रादि संचितम, ऐसा जो है पित्रादि संचित निगूढ़ जो जो चिपा चिपरा का है महानिधि, कुछ सामान्य नहीं, 10-20 रुपए तो ठीक है, लाख 2 लाख रुपए तो बड़ा ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए क्या है निधिम अज्ञाना चिरकाल अप्राप्तम, पता नहीं है कहीं रख के चले गए, कहीं रख के चले गए बोल के बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं मगर नहीं मिल रहा है, वो नहीं है इसके लिए, तब ज्ञानेन यथा पश्यति, अरे पिताजी बार बार जो है वहाँ जा रहे थे, वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ पर ही कुछ है गड़बड़, तो वहाँ जाके जो है ज्ञानेन विचारेन, विचार करता है वो, तो विचार करके वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ जाके ढूंढ लेता है और वहाँ से पैसा प्राप्त कर लेता है, पश्यति तद्वत, वैसा ही मुमुक्षु क्या है सम्यक ज्ञान और आत्मतत्व पश्यति, वैसा मुमुक्षु भी क्या है सम्यक ज्ञान से आत्मतत्व को जो है देख लेता है, स्वदेहम अरणिम कृत्वा अधरारणिम ज्ञानम एव निर्मथनम तस्य निर्मथनस्य अभ्यासात देवम ज्योति रूपम पश्ये निगूढ अग्निवत स्वदेहम, यहाँ पर देखिए ज़्यादा विचार नहीं है, उसमें जितना विचार दिए है भगवान जो है विज्ञान भगवान जितना विचार दिए उतना जो है यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सीधा जो बता दिए यहाँ पर संशयास्पद हो सकता है, इसलिए निधिध्यासनम ये जब शब्द प्रयोग करके वहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, स्वदेह अरणिम कृत्वा शरीर को ही जो है अरणि रूप में करके अधरारणिम ध्यानम एव निर्मथनम, उसमें जो है ध्यान अरणि मतलब आप पहले ही ओंकार को जो है अरणि कह दिए और एक और अरणि यहाँ पर कितना अरणि है, कितना जो है आप लोग किस कितना मथन से जो करेंगे, तो नहीं 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 नहीं
अधरारणिम कृत्वा, अधरारणि करके और ओंकार को जो है उत्तरारणि करके निर्मथनम, ध्यानम एवर निर्मथनम, ध्यान ही जो है निर्मथन, उस निर्मथन स्वरूप में तस्य निर्मथनस्य अभ्यासात, उस निर्मथन रूपी अभ्यास से क्या है देवम, देवम मतलब ज्योति स्वरूपम, ज्योति रूपम, उस ज्योति रूप प्रकाश स्वरूप प्रकाश चैतन्य को जो है प्रपश्येत निगूढ़ अग्निवत, उसको जो ढंग से देखना है, कैसा छिपा हुआ अग्नि को जैसा आविर्भाव होते हुए देखते हैं वैसा। उक्तस्य अर्थस्य दृढ़िमने दृष्टांतान बहून दर्शिति, एक उदाहरण देने से क्या है, कभी जो है गलती से एक आध बार जो है हो जाता है, तो दो तीन बार जब वो होता है तो गलती नहीं होता है, वो एक बार जो है गलत से हो गया बोल के मान सकते हैं, मगर दो तीन बार वही जो है रिपीट हुआ तो वो जो है साइंस हो जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, एक बार हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो कभी हो सकता है, विकल्प तो हमेशा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये जो विषय यहाँ पर एक जगह पे नहीं है, अन्यत्र भी दिखाई पड़ता है, इसको बताने के लिए जो है दूसरा तीसरा चौथा उदाहरण देते हैं। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पी आपस्रोतस्सु अरणिषु च अग्निः, चार उदाहरण हो गया है। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति, तो तिलेषु तैलम, तिल में जैसा तेल निकलता है, दधनीव सर्पी, दधि से जो है घी जैसा निकलती है, आप है स्रोतस्सु, आप जो है जल जो है जैसा स्रोत से निकलता है, अरणिषु च अग्नि, अरणि में जो है अग्नि जैसा निकलता है वैसा, एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते, आत्मा भी जो है अपने मन में ही जो है ग्रहण होता है, अंतकरण हृदय में ही ग्रहण गृहित होता है, असौ सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति, इसको जो है सत्य के द्वारा तप के द्वारा जो है जो इसको देखता है वो देख लेता है, यो अनुपश्यति जो देख लेता है तपस के द्वारा सत्य के द्वारा, अनुपश्यति, अनुपश्यति अच्छा शब्द है, अनुपश्यति बहुत अच्छा शब्द है। क्या बता रहे हैं, 15 यो अनुपश्यति, नारायण भगवान क्या कह रहे हैं, यो अनुपश्यति पुनः पुनः चिंतयति तेन गृह्यते इति अन्वयः, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा विषय नहीं है, उतना ही है, यो अनुपश्यत मतलब पुनः पुनः चिंतयति, उतना ही है। तो अभी यहाँ पर नारायण महाराज नहीं, शंकरान जी क्या कह रहे हैं, आत्मनि आत्मनि, आत्मनि मतलब देह पुंडरी के अंतकरणे, शरीर में जो पुंडरीक है जो अंतकरण है उसमें स्वस्वरूपे वा, या तो आत्मनि को जो है सीधा आत्मा में परमात्मा को देखता है वैसा अर्थ में भी निकाल सकते हैं, बता रहे हैं आत्मा मतलब हृदय स्थान, या आत्मा मतलब आत्मा अपना स्व प्रत्येक आत्मा में जो परमात्मा को जो देखता है ऐसा अर्थ में निकाल सकते हैं। तपसा, तप मतलब क्या है, क्योंकि दो रास्ता बताइए, एक सत्य न तपसा, तो तपसा मतलब कृच्छ्रचांद्रायनादि व्रत से, ऐसा बहुत से कृच्छ्र है चांद्रायन आदि, इसको जो बार बार हम लोग बहुत बार देख लिए, चांद्रायन मतलब जो 15 खाद वर्ग खाना जो है लेते हैं, एक एक जो है कम करके 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 फिर 15 तक आना है, ये एक कृच्छ्र है, या दधि दूध मात्र लेना है या दधि मात्र लेना है इत्यादि कृच्छ्र बहुत होता है, सन्यासियों ये कृच्छ्र के लिए अधिकारी नहीं है, सन्यासी के लिए कृच्छ्र नहीं है, ठीक है। तो स्वरूपेन स्वधर्मेन, पहले जो है कृच्छ्र चांद्रायन आदि, तो सन्यास के लिए अधिकार नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या, तो कहते हैं स्वधर्मेन अपना जो है धर्म पालन करना है, ओंकार आदि जप आदि जो है ही है उससे, या ब्रह्म ज्ञानेन वा, स्पष्ट कर दिए, ब्रह्म ज्ञान से कृच्छ्र चांद्रायणी व्रत, यहाँ पर तपस मतलब तपस कोई भी प्रकार का हो सकता है, तपस संतापे, संताप करना है तो कोई भी प्रकार का,
तो कृच्छ्र चांद्राणि से संताप करो, या जो है स्वधर्म का अनुष्ठान करने से जो है करो, या ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास से ही कर दो। अनुपश्यति, अनुपश्यति बहुत अच्छा शब्द बताया, इसलिए क्या बता रहे हैं अनुपश्यति के लिए शंकरानंद जी, श्रवणादिकम अनु अवलोकयति, अनु पश्चात पश्यति, अनु मतलब पश्चात उसके बाद, पश्यति देखता है, उसके बाद देखता, किसके बाद देखता है, श्रवणादि को करके उसके पश्चात मननादि के द्वारा देखता है। श्रवणादिम अनु अवलोकयति, ऐसा जो है तात्पर्य, इसलिए जो है वो शब्द बहुत अच्छा शब्द है अनुपश्यति। और यहां पर क्या बता रहे हैं, कार्य कारण संघाते, यहां पर सब जगह पे कार्य कारण संघाते प्रयोग नहीं कर रहे, कार्य कारण संघाते ही प्रयोग कर रहे हैं। प्राक्त्वेन प्रत्यक्त्वेन एव आत्मदर्शनम न तो तटस्थत्वेन, एक और शब्द प्रयोग कर दिए। कार्य कारण संघात में क्या है, कार्य कारण संघात रूप ये जो शरीर इंद्रिय है, अन्यत्र सब जगह पे कार्य कारण संघात ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कार्य कारण संघात प्रयोग कर लेते हैं। तो कार्य कारण कारण संघात जो, उसमें प्रत्यक्त्वेन अपना स्वरूप में ही जो है आत्मा को देखना चाहिए, न तो तटस्थेन इसके संबंधित आत्मा को नहीं देखना चाहिए। हाँ, इस संबंधित शरीर संबंधित आत्मा को देख लिया, मेरा शरीर संबंधित आत्मा को देख लिया, बाकी शरीर संबंधित आत्मा को देखा नहीं या पूर्ण आत्मा को देखा नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए। अपना स्वरूप में आत्मा ही जो है स्वरूप है, इस स्वरूप में जो देखना चाहिए, तटस्थ रूप में नहीं है। तटस्थ ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है, परोक्षतया आत्मदर्शनम न तो भवेद, परोक्ष रूप में विषय रूप में आत्मा को जो है आप देखना नहीं चाहिए। इति दृष्टांत है ना, इसको जो है दृष्टांत से मतलब अपरोक्ष रूप में रूप से अपना स्वरूप से उसको देखना चाहिए, विषय रूप में परोक्ष रूप में उसको देखना नहीं है, इसके लिए जो दृष्टांत प्रदर्शन कर रहे हैं। तिलेषु इति, तिलेषु तैलम, तिलेषु व्याप्य तिरस्कृततया वर्तमानं तैलम यंत्र निपी निष्पीडनेन अभिव्यक्तम सर्वत्र तिरस्कृतत्वेन वर्तमान आत्मतत्व अभिव्यक्तेः उदाहरणम। ये सब जगह पे जो है सर्वत्र तिरस्कृतत्वेन वर्तमान आत्मतत्व अभिव्यक्तेः, तिरस्कृत जो है जो चिप्र का है उस आत्मतत्व अभिव्यक्ति का ही जो है ये चारों उदाहरण है। पहले उदाहरण क्या है, तिलेषु तैलम, तिल में जो है जैसा तैल, कैसा है, तिलेषु व्याप्य, तिल में जो है व्याप्ति व्याप्य करके रखता है रहता है कौन, तैल। कहाँ, तिल को निकाल के देखो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो कहते हैं तिरस्कृततया वर्तमानम, जो चिप्र का है वह, आपको कैसा मालूम है वो चिप रहा है वहाँ पर, क्योंकि तैलम यंत्र पीड़नेन अभिव्यक्तम, उसको जो यंत्र से पीड़न करने से क्या है वो बाहर अभिव्यक्त होती है। रेत को डाल के जो है कूटने से नहीं होता है, पत्थर को कूटने से जो है तेल नहीं निकलता है, तिल को डाल के निकालने से जो है हो जाता है, क्यों, उसमें जो क्षिप्र का है, इसलिए वैसा ही सर्वत्र। दधनी व सर्पी, दधि निर्मथन निर्मथनेन निर्मथनेन, दधि निर्मथनेन अभिव्यक्तम नवनीतम सगुण ब्रह्मस्थानीयम नवनीते अग्निसंपर्ग विलयात सुगंधितया पुरुषार्थत्वेन अभिव्यक्तम घृतम निर्गुण ब्रह्म अभिव्यक्तेः उदाहरणम। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दधि से जो है सर्पी ही, दही से सीधा घी अर्थ निकाल दिए है, दही से कहीं घी निकलता है क्या, नहीं निकलता है, दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से जो है घी, तो इस चक्र को क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा से इसको व्याख्या कर, देखिए आप सीधा जो है दही से घी निकाल दिए, दही से घी नहीं होता है, दधनी व सर्पी ही, उसको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, दधि निर्मथनेन अभिव्यक्तम नवनीतम, दधि को जो है मथन करने से अभिव्यक्त होता है नवनीत मक्खन, तो अभी
सगुण ब्रह्मस्थानी। वो क्या है? सगुण ब्रह्मस्थानी है। मक्खन क्या है? सगुण ब्रह्मस्थान है, सगुण ब्रह्म का प्राप्त हुए है अभी तो। इसलिए क्या कह रहे? नवनीते अग्नि संपर्क विलयात। ओ अग्नि संपर्क से क्या होता है? नवनीत विलय हो जाता है। उसमें क्या होता है? सुगंधितया पुरुषार्थत्वेन अभिव्यक्तम। वहाँ बहुत सुगंधित रूप से जो है, पुरुषार्थ रूप में जो अभिव्यक्त होता है घृतम, वो क्या है? निर्गुण अभिव्यक्ति है। उदाहरण निर्गुण अभिव्यक्ति के लिए उदाहरण है। बीच में एक और साधन को जोड़ के सगुण, सगुण के द्वारा निर्गुण, ऐसा जो है एक विशेष विषय बता दिए है। तो आपह स्रोतस्सु, आपह स्रोतस्सु क्या कह रहे हैं? शुष्कासु नदीषु खननेन अभिव्यक्ता आपह ताप उपशमन कारणभूता, ताप उपशमन कारणभूता। तो आप नित्य स्त्रीलिंग बहुवचन, नित्य बहुवचनांत है, स्त्रीलिंग है, तो ता आप है ऐसा भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ताप है उपशमन कारणभूता ऐसा ही करना चाहिए उसको, ठीक है। स्रोतस्सु कहाँ पर? आप है स्रोतस्सु, आप जो है स्रोत में, जैसा स्रोत में आपको निकालने में क्या बड़ी बात है? हाँ वो तो पहले से ही है, उसको कुछ करने का नहीं है, मथन करने का नहीं है, कुछ सीधा ऐसा ही निकालना है। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ लिए हैं। शुष्काशु श्रोतसु, नदी जब शुष्क हो जाते हैं, शुष्काशु नदीसु नदीशु, नदी जब शुष्क हो जाती है, उसमें जो है सूखा पड़ जाते हैं, तब सूखी पड़ जाती है, तब खननेन अभिव्यक्ता, वहाँ से जो है थोड़ा खोदने से पानी जल निकल जाता है। वो सब देखे हैं आप, कर रखे है। आप है, आप है, आप जल क्या है? ताप उपशमन कारणभूता, हमारा ताप को जो है, संताप को जो उपशमन करने वाला वो आप है। आत्मतत्व अभिव्यक्ते सर्व संसार ताप उपशमन हेतुत्व उदाहरण। आत्मतत्व वो ताप उपशमन कारण क्यों उसको ऐसा बता रहे हैं? हर एक का जो उदाहरण में एक तात्पर्य है उसको बता रहे हैं यहाँ पर, हर एक उदाहरण में एक तात्पर्य। सीधा सीधा जैसा जो है उसको मथन करने से, इसको मथन करने से, उसको मथन करने से, ये तात्पर्य नहीं है। वहाँ से अभिव्यक्त हो जाता है, जो चिप रहा है वो अभिव्यक्त होता है, इतना मात्र नहीं है। वो उदाहरण के पीछे एक और विषय है, तो उसको बता रहे क्या है? आत्मतत्व अभिव्यक्ते है सर्व संसार ताप उपशमन हेतुत्व। जैसा जल जो है ताप उपशमन हेतु है, वैसा आत्मा अभिव्यक्ति हेतु भी है ये जो मथन और ताप उपशमन का भी जो हेतु है। हम लोगों का जो ताप पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है, तो को मोह का शोक है कह दिए। इसलिए अरणीषु च अग्नि, चौथा उदाहरण, अरणीषु च अग्नि स्वदाह्य अरणीषु तिरस्कृतत्वेन व्याप्य स्थितः मथनेन स्वतिरस्कार काष्ठादि दाहकत्वेन अभिव्यक्तः अग्निः मायादत् कार्य तिरस्कृत आत्मतत्वस्य मथनस्थानीय आत्मदर्शनेन तिरस्कारक दाहकत्वेन अभिव्यक्तौ दृष्टान्तः। तो दाहकत्वेन, दाहकत्वेन जैसा है वो दाहकत्वेन ही है। तो क्या बता रहे हैं? तो स्वदाह्य अरणीषु, अरणीषु च अग्निः, स्वदाह्य अरणीषु अपने से जो दाह बन होती है, जो नष्ट हो जाती है, वैसा अरणी अरणीषु तिरस्कृतत्वेन व्याप्य स्थितः। वो अरणी जो है छिपा के रखा है, फिर भी उसमें व्याप्य करके उसमें जो है स्थित है वो अग्नि। वो अग्नि कैसा अभिव्यक्त होता है? मथनेन, मथन करने से। मथन करने से कैसा अभिव्यक्त होता है? कहते हैं स्वतिरस्कार काष्ठादि दाहकत्वेन, अपने को जो अग्नि को जो छिपा के रखता है वो काष्ठ है उसको दाह कर देता है, उसको दाह करके बाहर जो है अभिव्यक्त होता है। तेन अभिव्यक्त है अग्नि ही, ठीक है। अग्नि का बात समझ में आ गया। अभी दृष्टांत को दाष्टांत में घटाइए, तो कह रहे हैं माया तत्कार्य तिरस्कृत आत्मतत्वस्य, वैसा ही माया और उसका कार्य जो है तिरस्कार कर रखे आत्मतत्व को, तो मथनस्थानीय आत्मदर्शन, मथनस्थानीय आत्मदर्शन जो है उसके द्वारा
तिरस्कारक दाहकत्वेन, जो तिरस्कार कर रहा है, क्या कर रहा है तिरस्कार आत्मा को, माया तत्कार्य, उसको दाह करने से, करने के द्वारा अभिव्यक्त हो, अभिव्यक्ति होता है ये आत्मा तत्व, उसमें दृष्टांत है। ठीक है, दधनी इव इत्यत्र इव शब्द है प्रत्येकम संबंधित, दधनी इव सर्पी, वैसा जहाँ इव शब्द प्रयोग किया वो हरेक में जो है संबंध करके बताना चाहिए। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ, ये जैसा ही जो है आत्मा अपनी आत्मा में जो है दिखाई पड़ता है। एवं यथा अयम दृष्टांत तथा आत्मा, जैसा ये दृष्टांत है वैसा आत्मा भी। आत्मा 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 का तात्पर्य क्या है, तो कहते यच्च आप्नोति यदा दत्ते यच्च अति विषयानिह यच्च अस्य संततो भावः तस्मादात्मा आत्मनि स्थितः। यच्च आप्नोति जो प्राप्त करता है, यच्च आदत्ते जो स्वीकार करता है, यच्च अति जो खाता है, विषयानिह किसको, विषय को स्वीकार करता है, अनुभव करता है, प्राप्त करता है। तीन स्तर का जो स्थिति को बता दी है, विषय को जो है प्राप्त करता है, विषय को जो है स्वीकार करता है, पहले जो है देखता है अरे विषय है, उसमें उसके बाद प्राप्त करता है, उसके बाद अनुभव करता है। तीनों स्वरूप जो करता है, यच्च अस्य संततो भव, जिसका जो है संतत भाव है, जिसका जो है कभी विच्छिन्नत्व स्वरूप नहीं है, वो है तब मैं आ रहा हूँ ये बात नहीं है, तो भाव है तस्मात आत्मा आत्मनिस्थः, इसलिए जो आत्मा क्या है अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा जो है बताया है स्थितः। आत्मनि, आत्मनि मतलब क्या है, देहेन्द्रिय संघाते, आत्मनि मतलब देह इंद्रिय संघात में, तत्रापि देहेन्द्रिय संघात में, इसी में जो है आत्मा में शरीर इंद्रिय आदि में ही जो है आत्मा दिखाई पड़ता है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक बात सुनो, तत्रापि बुद्धौ च, विशेष रूप में जो है बुद्धि में गृह्यते, विशेष में जो है अंतकरण में हृदय गुहा में जो है दिखाई पड़ता है। अभिव्यज्यते, तो क्या है, दृश्यते मतलब दिखाई, गृह्यते मतलब ग्रहित होता है, मतलब अभिव्यक्त होता है, हो गया आपका जो है सब आत्मनि, वो जो है दिखाई पड़ता है। तो कैसा दिखाई पड़ता है, अंतिम शब्द श्रवणादिभिः, श्रवणादि के द्वारा ही दिखाई पड़ेगा, गृहित होगा, अन्य द्वारा नहीं है। श्रवणादि भी आत्मनि देहेन्द्रिय संघाते तत्रापि बुद्धौ च गृह्यते अभिव्यज्यते श्रवणादि भी, एक वाक्य है, श्रवणादि से ही ये जो अभिव्यक्त होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। सत्येन सत्यवदनेन, सत्य शब्द उपलक्षित, उपलक्षितया उपलक्षित, सत्य सत्य शब्द उपलक्षितया उपलक्षित यम शम कलापेन, ठीक है, शब्द सत्य शब्द से उपलक्षित क्या है, यम या शमदम आदि शक्ति संपत्ति, ये जो है वहां पर बताए हैं। सत्येन मतलब यमादि या शमादि, ठीक है। एनम प्रकृतम स्वम आत्मानम तपसा बाह्य अंतकरण निरोध लक्षणेन, तो ऐसा जो प्रकृत आत्मा को सत्य से, सत्य मतलब यमादि से, क्षमा क्षमतमादि से, ठीक है, उतना मात्र काफ़ी है क्या, नहीं, तपसा, तपसा मतलब बाह्य अंतकरण निरोध लक्षणेन, तपस यहाँ पर क्या है, बाह्य इंद्रिय और अंतकरण को जो है निरोध करना है, यही है बाह्यकरण और अंतकरण को जो है निरोध करना है। मनसश्चे इंद्रियाणां च हि एकाग्र्यं परमं तपः इति स्मृतेः, मन और इंद्रियों को जो है निग्रह ही परमं तपः, एकाग्रता करना ही जो है परमं तपः, ऐसा बताया है स्मृति में। ये अणु 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 पश्यति इसके बता रहे, अणु तत्त्वं पदार्थ शोधनम अणु स्मृत्य, तत्त्वं पदार्थ शोधनम, अणु मतलब पश्चात, किसके पश्चात, तत्त्वं पदार्थ शोधन अनुस्मृत्य, उसको जो है पीछे करके पश्यति अपरोक्षी करोति, पश्यति मतलब देखता है नहीं, अनुभव करता है, अपना स्वरूप में अनुभव करता है। यो मुमुक्षो हो मुमुक्षु हो असौ सम्यक दर्शी, जो ऐसा देखता है वह सम्यक दर्शी कहलाता है। स्वम आत्मा आत्मनि जनिमद देहेन्द्रियादि संघाते सम्यक ज्ञानेन प्रमेयतया गृह्यते इति प्रमेय ज्ञात्रैक्यं दर्शितम्। स्वात्मा स्वम आत्मा आत्मनि, अपना आत्मा जो है आत्मा में मतलब जनिमत, जो शरीर
उत्पन्न होने वाला स्वभाव वाला जो देह इंद्रिया संघात शरीर इंद्रिय संघात जनिमत मतलब उत्पत्ति स्वभाव वाला, ये उत्पत्ति स्वभाव वाला जो शरीर इंद्रिय संघात है, उत्पत्ति होने वाला जिसका स्वभाव है वैसा शरीर इंद्रिय संघात है, उसमें सम्यक ज्ञानी न सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रमेयतया मतलब विषयतया तो गृह्यते, प्रमेयतया विषयतया गृह्यते। आत्मा आत्मनि, आत्मा प्रमेयतया मतलब कौन देख रहा है, मैं उसको विषय रूप में, मैं मुझको ही विषय रूप में, ये कैसा बनेगा यहाँ पर, मैं मुझको विषय रूप में देखूंगा ऐसा यदि कहूंगा तो वहां पर भेद आ जाएगा, ये बन ही नहीं सकता है, कर्तृ कर्म विरोध है यहां पर। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इति प्रमेय ज्ञात्रा ऐक्यम दर्शितम, प्रमेय और ज्ञाता का जो ऐक्य, मैं मुझको ही देख रहा हूं मतलब अभेद रूप में होने से ही हो पाएगा, मैं अपने को देखना नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ही करता हूं और कर्म मैं ही हूं, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, मैं अपने को देख रहा हूं मतलब क्या है, प्रमेय और ज्ञाता का जो है ऐक्य बताया है यहां पर, ठीक है। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तद आत्मानम एव आवेदीत इति श्रुत्यंतरात्, एक दूसरा श्रुति भी है, क्या है, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत, ये सब ब्रह्म ही था, तद आत्मानम एव आवेदीत, वो क्या है, अपने को ही जाना है, अपने को कैसा जान सकते हैं उसको, उसके द्वारा कैसा जो है आप प्रमाण प्रमेय प्रमाता ऐक्य कह सकते हैं, श्रुति स्वयं जो है बता रहे हैं, तद आत्मानम एव अवेदित, वो अपने स्वरूप को ही देखा है जाना है इति श्रुत्यंतरात्, आत्मा स्वेन स्वयं एव गृह्यते इत्यर्थः, मतलब क्या है, आत्मा अपने द्वारा अपने को ही गृहित करता है, आत्मा अपने द्वारा अपने आप को ग्रहण करता है, ऐसा जो है यहाँ पर तात्पर्य है। तिलेषु इति यंत्रपीडनेन तैलम गृह्यते दधनी मथनेन सर्पिरिव, यंत्रपीडनेन यंत्र से जो है पीड़न करने से जो है तिल तैल निकलता है, तेल निकलता है, और दधनी मथनेन दधी को मथन करने से जो है सर्पी घी निकलती है। आपह स्रोतस्सु नदीषु भूखननेन, जल जो है स्रोत में नदी को जो है खनन करने से जो है खोदने से निकलता है। अरणीषु च अग्नि मथनेन, अरणि में अग्नि मथन करने से उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है। एवं आत्मा आत्मनि, एवं आत्मा आत्मनि मतलब स्वात्मनि गृह्यते, आत्मा स्वात्मनि गृह्यते, अपने में ही गृहित होता है। असौ मननेन आत्मभूत देहादिषु अन्नमयादि आशेष उपाधि प्रविलापनेन, ये कैसा प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं वेदांत की नटशेल कहते हैं, वेदांत को जो है एक छोटा सा जो है डब्बा में डाल दिए है। असौ मननेन, ये जो आत्मा आप अपने आत्मा ही गृहित होता है बताते हैं, वो कैसा है, मननेन आत्मभूत, मननेन मतलब कैसा मनन करना है, मनन करना है मतलब आत्मभूत देहादिशु अन्नमयादि अशेष उपाधि, ये जो आत्मा में देहादिषु अन्नमयादि अशेष उपाधि प्रविलापनेन, भेद जो भी है उसको अपने स्वरूप में प्रविलापन करने के द्वारा निर्विशेषे, कुत्र निर्विशेषे पूर्णानंदे, निर्विशेष रूपी पूर्णानंद रूप स्वात्मनि, उस स्वरूप में जो है प्रविलाप करने से एव अवगम्यते इत्यर्थ, शब्द मुख्य शब्द क्या, एव प्रविलाप करने से मात्र जो है अवगति होगा, आप जो है उसको बाहर रखे ये इसको मात्र प्राप्त करने के लिए कोशिश किया तो नहीं होगा, प्रविलापनेन एव अवगम्यते, प्रविलापन करने से ही जो है वो जाना जाता है, अन्यथा नहीं है। केन तरहि पुरुषेण आत्मनि आत्मन्येव गृह्यते, पुरुषेण आत्मन्येव गृह्यते, किस कौन सा है वो, कौन है वो जिसको ऐसा आत्मा में ही गृहित होता है ऐसा बताते हो, बताता हूँ, इत्यतः बताता हूँ, सत्येन,
యథాభూతహితాతవచనేన భూతహితేన. యథాభూతవచనేన భూతహితాతవచనేన. యథాభూత సత్యం మతలబ్ జైసా హై వైసా బతానా హై. ఔర్ జైసా జైసా వైసా బతానే సే జైసా జో హై ఉస్ దిన వో జో మే హిరణ్ కో జో హై భగాయా థా. స్వామీజీ జో హై గాయ్ కో భగా రే థే. తో వహాన్ పర్ క్యా హై బాత్ క్యా హో గ్యా. సత్య హీ బోలా హై. సత్య మతలబ్ వో వహాన్ పర్ హై బోల్ కే బతా దియా తో క్యా హో జాయేగా. భూత హిత నహీ హై. ఇస్లియే క్యా హై సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నా బ్రూయాత్ అప్రియం సత్యం. యే బాత్ కో లేకే జా హై సత్యభూత హితం ప్రోక్తం ఇతి స్మరణాత్. సత్యం భూత హితం ప్రోక్తం. సత్య మతలబ్ క్యా హై భూత హిత హీ సత్య హై. తో ఇస్లియే తపసా ఇంద్రియ మనసా ఐకాగ్ర లక్షణేన. తపస్ మతలబ్ క్యా హై ఇంద్రియ ఔర్ మన కా ఏకాగ్రతా హీ తపస్ హై. మనసశ్చేంద్రియాణాం చ ఏకాగ్ర్యం ఐకాగ్ర్యం పరమం తప ఇతి స్మరణాత్. మన ఔర్ ఇంద్రియ కా జో హై ఏకాగ్రతా హీ శ్రేష్ఠ రూపీ తపస్ హై. ఐసా బతాయా హై. ఏనం ఆత్మానం యో అనుపశ్యతి. ఐసా జిస్ ఆత్మా కో జో దేఖతా హై వహీ దేఖతా హై ఇతి వహాన్ తాత్పర్య హై. ఇస్కో దేఖతే హై. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశ్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.